हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि चोर न होते हुए भी होटलों में क्लेप्टोमेनियाक जैसा व्यवहार करने लगते हैं। हमारे बीच ये एक गलत धारणा है कि अगर हमने होटल रूम में रहने के लिए पैसे दिए हैं, तो हमारा उन सभी चीजों पर हक है जो जो वहां मौजूद है। इस वजह से सामानों को अपने बैग में इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। वैसे हर चीज ले जाने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर आप अपने साथ पानी की बोतल, टॉयलेटरीज ले जाना चाहते हैं, तो होटल स्टाफ आपको इसकी इजाजत दे देते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आप होटलों में किन चीजों को बिल्कुल फ्री में अपने साथ ले जा सकते हैं। नंबर 1, टूथब्रश और टूथपेस्ट। कुछ होटल्स ऐसे होते हैं जहां आपको खुद का टूथब्रश और टूथपेस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर होटलों में गेस्ट को फ्री में टूथब्रश और टूथपेस्ट हाथ में दिया जाता है, और जब आप होटल से निकलते हैं तो आप इन्हें साथ में ले जा सकते हैं। होटल्स को इसमें कोई आपत्ति नहीं होती, आखिर उन्हें आपत्ति होगी भी क्यों? इन प्रोडक्ट्स में होटल का लोगो जो लगा होता है और वो अपने नाम का प्रचार कर रहे होते हैं। नंबर 2, एक्स्ट्रा पिलोज और ब्लैंकेट्स। अगर आपको होटल्स में कोई चीज पसंद आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी चोरी कर लेंगे। उस चीज के लिए आप होटल स्टाफ से प्यार से भी पूछ सकते हैं। वैसे कंबल या तकिए को अपने साथ ले जाना सही नहीं है, ये एक तरह से चोरी ही मानी जाएगी, लेकिन आप होटल स्टाफ से एक्स्ट्रा कंबल या तकिए के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि होटल्स में कई अधिक मात्रा में इन चीजों के विकल्प मौजूद होते हैं। नंबर 3, शैम्पू एंड कंडीशनर। आजकल बहुत सारे होटल्स अपने कमरों में अच्छी क्वालिटी वाले शैम्पू और कंडीशनर उपलब्ध कराते हैं। ये छोटी बोतलें गेस्ट के नहाने के साथ साथ आगे की यात्रा के लिए घर पर बहुत काम आती है। आप जब भी निकले तो होटल के नाम के ब्रांड शैम्पू ले सकते हैं, इसके आपको कोई चार्जेस भी नहीं लगेंगे। नंबर 4, शू शाइन किट। आपको होटल द्वारा दिया जाने वाला कॉम्प्लीमेंट्री शू शाइन किट आप आगे की यात्रा के लिए ले जा सकते हैं। इसमें भी आपको होटल स्टाफ मना नहीं करेगा। फटे या गंदे जूतों के लिए घर में आप टचअप कर सकते हैं। नंबर 5, कॉफी एंड टी। यदि आपके कमरे में कॉफी के छोटे बैग्स या टी बैग्स मौजूद है तो आप इन्हें भी ले सकते हैं, और जहां भी कोल्ड या हॉट डिस्पेंसर दिखे वहां आप अपनी कॉफी या चाय बना सकते हैं। अगर होटल में आर्टिफिशियल शुगर के पैकेट्स भी मौजूद है तो आप इन्हें भी ले सकते हैं। नंबर 6, ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स। अगर आपको निशुल्क नाश्ता दिया जा रहा है तो उसका लाभ उठाएं। वैसे हर होटल में मुफ्त में खाना नहीं दिया जाता, लेकिन अगर आपको फ्रंट डेस्क पर कुछ भी फ्री में खाने को दिखाई देता है तो उसे बिना किसी टेंशन के आप उठा सकते हैं। नंबर 7, रेजर एंड शेविंग क्रीम। टूथब्रश और टूथपेस्ट की तरह ये भी कमरे में उपलब्ध नहीं होते, लेकिन अधिकांश होटलों में ये फ्री में अवेलेबल होते हैं। वैसे तो ये फ्री में होते हैं, लेकिन आप इनके फ्री में होने के बारे में होटल स्टाफ से बिना किसी झिझक के पूछ सकते हैं। आप अपने साथ फ्री में टॉयलेटरीज भी घर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं हमारे नए वीडियो के साथ।